जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद एक्शन में मोदी सरकार। किसी भी हालात से निपटने के लिए अजीत डोभाल ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर एक ओर जहां दिल्ली में सियासी संग्राम मचा हुआ है, तो वहीं घाटी में सन्नाटा पसरा है। प्रदेश में कोई स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए मोदी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। हालांकि अभी तक घाटी से किसी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन धारा 370 का दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में तनाव की स्थितियां बन हुई है। दरअसल धारा 370 हटाने के बाद देर शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया गया। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर उनकी पैनी नजर है। उधर प्रदेश के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सभी समुदाय के लोगों और आम जनों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने, कानून व्यवस्था में सहयोग देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। इस घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में 8,000 और जवान भेजे। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में भी सेना और जवानों की अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू के सभी सार्वजनिक स्थानों पर CRPF और राज्य पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही कुछ सैन्य जगहों पर आर्मी का सख्त सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। श्रीनगर शहर में सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के संवेदनशील 7 थाना क्षेत्रों में सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अन्य इलाकों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तनाव के बीच कश्मीर में सेना और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट और रेल सेवाओं पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा कश्मीर घाटी के साथ ही राज्य के सभी जिलों में केबल TV सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। श्रीनगर में हिंसक प्रदर्शन या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि तनावपूर्ण शांति के बीच कुछ लोग जरूर सामान लेने के लिए श्रीनगर की सड़कों पर निकले जरूर दिखाई दिए। कुल मिलाकर घाटी में शांति के साथ ही हालात तनावपूर्ण भी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।